आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में सपा प्रसपा विलय के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे शिवपाल यादव। खबर लखनऊ से है, आपको बता दें शिवपाल यादव ने सपा प्रसपा दोनों कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। निकाय चुनाव को लेकर होनी थी मंथन। अखिलेश की नामौजूदगी के चलते बैठक स्थगित कर दी गई। आपको बता दें अखिलेश की नामौजूदगी की वजह से बैठक स्थगित कर दी गई। निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे प्रत्याशियों से मुलाकात की। लखनऊ में सपा प्रसपा विलय के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने सपा प्रसपा दोनों कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। निकाय चुनाव को लेकर होनी थी मंथन। अखिलेश की नामौजूदगी के चलते बैठक स्थगित कर दी गई। आपको बता दें सपा प्रसपा विलय के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे शिवपाल यादव। निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे प्रत्याशियों से मुलाकात की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, सपा प्रसपा विलय के बाद आज शिवपाल यादव पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं, आज एक अहम बैठक थी जो स्थगित कर दी गई। देखिए नंदनी, सपा कार्यालय में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव की मुलाकात होनी थी। विलय के बाद ये लखनऊ कार्यालय में उनकी पहली मुलाकात होनी थी, लेकिन अखिलेश यादव के ना आने की वजह से इस बैठक को जो है स्थगित कर दिया गया कल के लिए। और इस बैठक में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस प्रकार से उपचुनाव में भारी सफलता समाजवादी पार्टी को मिली है, तो समाजवादी पार्टी अब आने वाले नगर निकाय चुनाव में भी कमर कस चुकी है और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए इस निकाय चुनाव में अपना पूरा जो है जोर शोर लगा चुकी है। क्योंकि ये सपा कार्यालय में जो बैठक स्थगित हुई थी, उसके बाद जो है शिवपाल यादव अपने आवास और कैंप कार्यालय पे गए थे, जहाँ पे वो सपा और प्रसपा दोनों के कार्यकर्ताओं से मिले और जो भावी प्रत्याशी हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं इस निकाय चुनाव के लिए, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और काफी देर तक बैठे रहे कार्यालय में, लोगों से मिलते रहे, लगातार मिलते रहे। कल जो है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच बैठक होगी, निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। जो कार्यकर्ता है जो है कार्यालय में जुटेगी, निकाय चुनाव के मंथन होगी और जो दावेदारी पेश कर रहे हैं जो भावी प्रत्याशी, उनके नामों पर चर्चा भी होगी। जो दावेदार हैं, जो अच्छे उम्मीदवार हैं, उनके नाम पे जो है मंथन होगी, किसे टिकट दिया जाए, किसे कहां से लड़ा जाए, उस पर भी मंथन और मतदान जो है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कल की बैठक में करेंगे। देखा जाए तो विवेक, हर पार्टियां एक्टिव है नगर निकाय चुनाव को लेकर। अब सपा प्रसपा का विलय तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक खुशी की बात है। अब देखा जाए नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रही है हर पार्टी अपनी तरफ से। जी, जो भी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई या फिर समाजवादी पार्टी हो गई, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी जो है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए अब सक्रिय हो रही है। कल कांग्रेस ने प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और जबकि उपचुनाव में भारी सफलता समाजवादी पार्टी को मिली है और अखिलेश यादव ने खुद ही ऐसा कई बार जो है जनता के बीच जाके कहा है कि शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका है इस चुनाव में। जो जीत हुई है 3 में से 2 सीटों में जो जीत हुई है, शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका है और उसके पास से सपा प्रसपा का विलय हो गया है और शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी, या तो वो नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं या फिर संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमने पहले भी देखा है कि शिवपाल यादव ने इसके पहले जब मुलायम सिंह यादव मुखिया थे सपा के, उस समय भी काफी जो है सक्रियता दिखाई थी और अपने बलबूते पे जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई थी समाजवादी पार्टी की। तो शिवपाल यादव के वापस आने के बाद जो समाजवादी विचारधारा है उसको एक जोर मिला है, मजबूती मिली है और जो संगठन है उसको मजबूती मिली है, क्योंकि शिवपाल यादव अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार से कहाँ संगठनात्मक ढांचे में दिक्कत आ रही है, कार्यकर्ताओं को भी कैसा जो है कैसा निभा सकते हैं इस चुनाव में। जी, देखा जाए विवेक तो हर पार्टी तैयारी तो कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीएसपी भी अब सक्रिय हो गई है नगर निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, निकाय चुनाव स्तर पे है तो जाहिर सी बात है जितने भी राजनीतिक दल है वो अपनी एरी चोटी का जोर लगाएंगे। समाजवादी पार्टी के सामने
सामने जो है वो चैलेंजेस बाकी लोगों की तुलना में काफी कम है, क्योंकि प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा जो है समाजवादी पार्टी को मिला हुआ है। और अगर बात करें तो बसपा की सिर्फ एक जो है विधानसभा में सीट मिली है, सिर्फ एक विधायक जो है बसपा का है और वो विधायक भी अपने दम पे जीत के आया है। तो विधानसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है कि आप देखा जाए तो, लेकिन निकाय चुनाव में वो खेल कर सकती है। और वही अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो जब से चुनाव की जीत मिली है कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है शिवपाल यादव के आने के बाद से, और भी जो है उनका अनुभव और मनोबल जो है काफी ऊंचा हो गया है। और हम आपको बता दें कि पिछले अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो जो नगर निगम की सीटें हैं कुल 16 में से 14 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव है कि कम से कम 14 या फिर उससे ज्यादा सीटें जीतने का दबाव होगा, जबकि समाजवादी पार्टी का ऐसा सीट का कोई दबाव नहीं है, उनके पास अच्छा प्रदर्शन करने का दोहराने का दबाव रहेगा। और शिवपाल यादव की जो नेतृत्व है जो अनुभव है उसका पूरा फायदा जो है समाजवादी पार्टी उठाना चाहेगी। जी, जिस तरीके से बीएसपी सक्रिय होने की बात करें तो क्या लगता है किसको फायदा नुकसान होगा बीएसपी के सक्रिय होने से? देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना वोटर बदा हुआ है। अगर बहुजन समाजवादी की बात करें तो दलित वोटर उनसे पहले से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ओबीसी के वोटरों में काफी स्ट्रेंथ उन्होंने बहुत पहले से लगाई है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दो बार सरकार बनी, यूपी में भी दो बार सरकार बन चुकी है, तो ओबीसी वोटों का काफी जो है इजाफा देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी में, और वो दलित वोटों में भी सेंध लगा रही है। साथ ही साथ वो मुस्लिम समाज जो पसमांदा समाज है उसको भी साथ लेकर जो है चलने का कार्य कर रही है। कई पसमांदा सम्मेलन भी उपचुनाव से लेकर अब तक कराए जा चुके हैं, आने वाले समय में भी निकाय चुनाव को देखते हुए कई पसमांदा सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी करा रही है, मुस्लिमों को साथ लेकर जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो दो फैक्टर MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव, ये समाजवादी पार्टी से काफी जुड़े हुए हैं। मुस्लिम समाज हो गया, यादव समाज हो गया, और भी तरह के कई जो है ओबीसी समाज हो गया, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सभी को पता है कि परिवर्तन की लहर चलने वाली है, परिवर्तन होता ही रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसके हिसाब से समाजवादी पार्टी अपने कार्य को, अपने एजेंडे को नगर निकाय चुनाव के लिए सेट कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।